Hello students, I'm Pradeep Faswal. Welcome back to the general grammar session. Today we will go ahead with exercise number 10 and it is imperative sentences. We will understand imperative sentences today, जिनको हम हिंदी में आदेशात्मक भी बोल सकते हैं, सलाहात्मक भी बोल सकते हैं, शिक्षात्मक भी हम बोल सकते हैं. जब हम किसी को सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, या कई बार प्रार्थना करते हैं या कोई ऑर्डर देते हैं, एट दैट टाइम वी यूज इंपैरेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन. नाउ सी हियर, अभी हम बात करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस की. तो हमने पाया जब ऑर्डर की बात करते हैं, सजेशन देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट हम किसी के सामने कोई करते हैं, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो बाय इंपैरेटिव सेंटेंसेस. रिकॉग्निशन की बात करेंगे तो इसकी जो पहचान है वो हम पाएंगे कि जब कभी भी एक ऐसा वाक्य हम फॉर्म करते हैं जिसके साथ वर्ब के साथ अंत में क्या होगा, ओ होगा, ए या ए होगा, ऊ भी हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा कि बाहर जाओ, इस कार्य को करो. हम बाहर क्यों जाएं, हम इस कार्य को क्यों न करें, क्या मैं आपको समझाऊं? सो समथिंग लाइक दिस. यहाँ पर क्या है, इम्पैरेटिव की फॉर्मेशन हमने अक्सर सीखा है, वी हैव अंडरस्टूड सिंपल एंड नेगेटिव, लेकिन आज मैं बताऊंगा इम्पैरेटिव्स को आप क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, एंड यू कैन टेक दीज इम्पैरेटिव्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव ऑल्सो, राइट. इम्पैरेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं. वो कैसे हैं वो एक बार हम इसी से समझ पाएंगे. सो बी विद मी हियर, वी विल गो बाय सम ऑफ द एग्जाम्पल्स नाउ. हियर, मेरे साथ आओ, झूठ मत बोलो. थर्ड इज, क्या मैं सच नहीं बोलूं? हम आपको क्या क्या भेजें? सरकार किस किस की सहायता करे? हम यह पुस्तक क्यों न खरीदें? सो दीज आर दी सेंटेंसेस जिनको हम इंपैरेटिव बोलेंगे, क्योंकि इनके अंत में आया वर्ब के साथ ओ आया. यहाँ पर भी ओ आता है, यहाँ ऊ आया है वर्ब के साथ, यहाँ ए आया है, यहाँ ए आया है, और यहाँ पर फिर से ए आया है. नाउ सी हियर, ये इसकी पहचान हो गई है. अभी ये कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान है समझना. हाउ टू फॉर्म इम्पैरेटिव्स, जो हमारे इम्पैरेटिव्स के सिंपल और नेगेटिव होते हैं. रिमेंबर, व्हेन वी एक्सपीरियंस इम्पैरेटिव का जो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल साधारण सी बात है. उनके अंदर हिंदी में भी क्या रहता है शुरू में, तुम या आप. हम तुम भी कह सकते हैं तो आप भी कह सकते हैं, बट वी विल प्रेफर राइटिंग आप. तो यहां पर क्या है, ये अंडरस्टूड होता है हिंदी में भी. मेरे साथ आओ, आप मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ आओ, आप झूठ मत बोलो, तुम झूठ मत बोलो. सो वी कीप दिस आप और तुम अंडरस्टूड. हिंदी में भी हम इनको अंडरस्टूड रखते हैं, तो इंग्लिश में भी ऐसा ही करना होता है. सो हियर वी एक्सपीरियंस, जो हमारा यू होता है ये यहाँ पर अंडरस्टूड होगा. दिस इज अंडरस्टूड सब्जेक्ट हियर. ये क्या रहेगा, अंडरस्टूड सब्जेक्ट रहेगा. तो क्या है इंपैरेटिव सेंटेंस का जो सिंपल फॉर्मेशन है, उसमें हम पाएंगे वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट ओनली. इफ इट इज नेगेटिव, वी विल जस्ट कीप हियर डू नॉट. हम यहाँ रखेंगे सिर्फ डू नॉट को. सो वी प्लेस डू नॉट हियर, वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट. तो ये नेगेटिव हो गया. अगेन हियर वी एक्सपीरियंस, यहाँ पर जो यू है आपका, दिस विल रिमेन अंडरस्टूड. इट इज नॉट सपोज टू राइट हियर बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि यू तो वहाँ है. आपने किसी को ये बोला है, ऑर्डर दिया है या एडवाइस दी है या किसी से रिक्वेस्ट की है. तो यहाँ पर हमने पाया तुम और आप, जब सिंपल और नेगेटिव स्थिति रहती है, एट दैट टाइम वी फाइंड सेकेंड पर्सन अंडरस्टूड हियर. लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इंटरोगेटिव्स की तरफ, इंटरोगेटिव्स हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में समझे हैं, वेयर इन वी लर्नड अबाउट कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव्स एंड इंफॉर्मेटिव इंटरोगेटिव्स. दैट रूल विल बी अप्लाइड हियर ऑल्सो. यहाँ पर भी उस रूल को हम अप्लाई करके देखेंगे एंड वी विल फाइंड इट आउट दैट कि इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है. So, let's see this. जब हम क्या करेंगे, इंपैरेटिव के इंटरोगेटिव्स बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू का शुड कर दिया जाता है. रिमेंबर दिस, डू का शुड इन इंटरोगेटिव्स. कौन सा, इंपैरेटिव के इंटरोगेटिव्स में. एक बात तो हमें पता चली, दैट इज की इंप्रूवमेंट का केस है. वी विल राइट शुड एट द प्लेस ऑफ डू.
बाकी हम क्या पाएंगे, रेस्ट ऑफ द रूल्स आर सेम, लेकिन एक चीज है यहाँ पर जो समझनी जरूरी है, एक बात ऐसी जो समझनी आवश्यक है कि सिंपल और नेगेटिव जो है इंपैरेटिव के, उनमें यू अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, जहाँ इंटरोगेटिव की बात करते हैं वहाँ सब्जेक्ट इनका अपने आप आता है, जो वाक्य में सब्जेक्ट आता है वही हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। नाउ सी हियर, सबसे पहले क्या होता है, इंटरोगेटिव्स में WH का यूज होता है, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट, अब नेगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर इस नोट को आप इसके साथ रखना चाहते हैं, एट दैट टाइम यू विल गो अहेड एंड यू विल राइट इट एज नेगेटिव कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ब, जो कि शुडंट हो जाएगा। आफ्टर दिस वर्ब फर्स्ट एंड योर ऑब्जेक्ट देयर, एंड नाउ यू बेटर अंडरस्टैंड वेन टू राइट दिस WH और वेन टू हाइड इट। वेन यू एक्सपीरियंस कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव, एट दैट टाइम आप उसको शुड से शुरू करोगे, जो हिंदी में क्या से शुरू हुआ वाक्य है, जैसे कि थर्ड सेंटेंस है, तो इंग्लिश में अब ये कहाँ से बनेगा, शुड से बनेगा। अगर बीच में क्यों, कब, कहाँ, क्या, किसका, कौन आता है, एट दैट टाइम यू नीड टू कॉल इन WH। और कई बार आपने देखा किस किस की सहायता, नेक्स्ट क्या क्या, ये आपके WH ऑब्जेक्ट वर्ड्स हैं, तो आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू गो बाय दिस रूल, WH ऑब्जेक्ट गेट्स प्रेसीडेड विद योर शुड एंड देन यू फाइंड योर सब्जेक्ट हियर, इट गेट्स प्रेसीडेड विद योर वर्ब फर्स्ट एंड यू प्लेस साइन ऑफ इंटरोगेशन स्टेटिंग दैट इट इज द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, नाउ आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। आई टेक हियर सेवेंथ एग्जाम्पल, आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल और उसी से हम सारे प्रकार के जो वाक्य हैं वो बनाएंगे। मैंने कहा एक नया फोन खरीदो, एक नया फोन खरीदो, राइट हियर, एक नया फोन खरीदो, हियर आई हैव कम अप विद दिस एग्जाम्पल। अब हमने पाया कि ये इंपैरेटिव है, पहचान कैसे हुई, वर्ब के साथ ओ आया है और यहां पर अंडरस्टूड रहेगा क्या, आप, ये क्या है, अंडरस्टूड रहने वाला सब्जेक्ट है इन बोथ हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हाउ टू डू इट, हमने सीखा है रूल में वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, खरीदना आया है यहां पर, बाय और परचेज, बाय अ न्यू फोन, बाय अ न्यू फोन, वेरी सिंपल। अगर मैंने इसको नेगेटिव बनाया तो हम इसको कैसे करेंगे, डोंट बाय अ न्यू फोन, डोंट बाय अ न्यू फोन। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इफ आई गो अहेड एंड आई आस्क यू टू फॉर्म कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव, इसका कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव बनाओगे तो कैसे करोगे, क्या मैं एक नया फोन खरीदूं, अगर मैंने यहां सेंटेंस को बनाया, क्या मैं एक नया फोन खरीदूं, क्या मैं एक नया फोन खरीदूं। नाउ सी हाउ टू अटेम्प्ट इट, अब यहां क्या आ गया, तो हमने सीखा है डू का शुड हो जाता है, सो हियर वी आर सपोज टू राइट शुड, शुड आई बाय ए न्यू फोन, न्यू फोन, इफ इट इज नेगेटिव देन वी कैन गो अहेड एंड वी कैन राइट शुडेंट आई बाय ए न्यू फोन, क्या मैं एक नया फोन नहीं खरीदूं, बेटर टू यूज नॉट विद दिस शुड, तो आप इसको नेगेटिव कॉन्टेक्चुअल बनाएंगे एंड देन यू विल राइट इट एज शुडेंट आई बाय अ न्यू फोन। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड इट। व्हाट इफ आई स्प्लिट दिस नॉट विद दिस शुड, देन आई नीड टू प्लेस दिस नॉट शुड अप सून आफ्टर दिस आई, शुड आई नॉट बाय ए न्यू फोन, वी कैन चूज वन वे टू राइट इन इंटरोगेटिव, जो कि आपका कौन सा है, कन्फर्मेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव, राइट। नाउ सी हियर, अगर मैंने कहा मैं कौन सा फोन खरीदू, नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी इंपॉर्टेंस हम सीखेंगे उसका, जो WH एक्सरसाइजेस थी जो हमने की थी, मैं कौन सा फोन खरीदू, उसमें हमने WH ऑब्जेक्ट वर्ड्स भी सीखे थे, कौन सा फोन खरीदूं, जो कि स्टूडेंट्स पजल रहते हैं उस चीज को लेकर। अभी हमने देखा कौन सा फोन, दिस इज WH ऑब्जेक्ट वर्ड है, तो बेझिझक
हम क्या करेंगे, नीड नॉट टू बिकम रिलक्टेंट हियर, यू आर कॉन्फिडेंट एनफ सिंस यू हैव लर्नड इट इन WH, वर्ड्स एक्सरसाइज जो थी उसमें आपने इसको सीखा है। नाउ सी हियर, हमने कहा कौन सा फोन, विच फोन, विच रूल अप्लाइज हियर, विच फोन शुड आई बाय, विच फोन शुड आई बाय। नाउ सी हियर, डू का शुड कर दिया हमने, ये इम्प्रूवमेंट का केस है एंड इट हैज ए स्ट्रॉन्गर अप्रोच, सो दिस इज वाई वी यूज इट हियर इन इंटारोगेटिव्स, जो इंपेरेटिव के इंटारोगेटिव्स है उसमें इसको हम यूज करते हैं। तो हमने कहा विच फोन शुड आई बाय, आई फील दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, इफ यू फाइंड एनीथिंग एज टफ हियर यू कैन जस्ट गेट इट डिस्कस्ड विद मी इन एनी सेशन, यू कैन सेंड मी एन SMS और यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड इट, थैंक्स अ लॉट।